नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होता है। वो खाने की चीज़ें जो न्यूट्रिएंट डेंस है। मैंने बताया था कैलोरी डेंस क्या होता है। डेंस मतलब घनित होता है जिसमें ज़्यादा हो। तो न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें वो होती है जिनमें कम कैलोरीज में आपको ज़्यादा विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिले। अब आपको कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, विटामिन और मिनरल तो बहुत सुना था, एंटीऑक्सीडेंट तो सुना नहीं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, पर एक बार के लिए या तो नेट पे देख लो या फिर यूँ समझ लो कि एंटीऑक्सीडेंट भी कुछ होता है। जैसे विटामिन और मिनरल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे एंटीऑक्सीडेंट भी जरूरी है, यूँ समझ लो। तो कम कैलोरी में ज़्यादा विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं। अब उदाहरण लेके समझते हैं कि जैसे 100 ग्राम पालक है, वो उसमें लगभग 25 कैलोरी होती है, और वही 100 ग्राम घी या तेल लोगे तो उसमें लगभग 900 कैलोरी होती है। ठीक है, 100 ग्राम पालक हमें बहुत सारे विटामिन मिनरल देता है सिर्फ 24 कैलोरी में। बहुत सारे विटामिन और मिनरल दे देगा सिर्फ 24 कैलोरी में। वही 100 ग्राम घी या तेल 900 कैलोरी में भी हमें बहुत कम विटामिन मिनरल देगा। इतनी ज़्यादा कैलोरी में भी हमें बहुत कम विटामिन मिनरल देगा। तो हम कहेंगे कि घी या तेल जो है वो कैलोरी डेंस है, मतलब जगह कम लेता है पर बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और पालक जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस है, बहुत कम कैलोरीज लेता है पर बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल देता है। ऐसे तो कोई भी चीज़ कम मतलब जितनी कैलोरीज ले रही है उसके हिसाब से जितने न्यूट्रिएंट दे रही है, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, इनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो कि जितनी कैलोरी ले रही है उसमें जितने न्यूट्रिएंट दे रही है उस हिसाब से हम कहेंगे कितनी न्यूट्रिएंट डेंस है। और कम कैलोरी कोई पालक से और कम कैलोरीज लेकर के उतने ही विटामिन मिनरल दे देगा जितने पालक दे रहा है, तो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है, पालक से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है। तो ऐसे समझेंगे हम। ठीक है, अब लौंग है जो आप ये लौंग, इलायची वाला लौंग होता है जो घरों में काम लिया जाता है चाय वगैरह में, जिसको इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। इसके 100 ग्राम में करीब 187 कैलोरी होती है। अगर आप देखो तो कैलोरी इस तेल से नापो 100 ग्राम 900 कैलोरी है, इसके 100 ग्राम में करीब 187 कैलोरी है, पर कैलोरी में तो ये उससे कम है, पर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं तेल के मुकाबले। तो जो न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें हैं उनमें क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम होंगे, क्योंकि अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी आती है, फैट से 9 कैलोरी होती है। तो अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ज़्यादा होंगे तो कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, पर उनमें तो कैलोरी कम कैलोरी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब 24, 25, 27, 28, 30, 35 कैलोरी ही होंगी, इसमें 187 कैलोरी है, पर जितनी कैलोरी है उसके मुकाबले वो जो चीज़ हमें दे रहा है वो काफ़ी अच्छी है। समझे, 187 कैलोरी में जितना एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है, ये 24 कैलोरी में जितने विटामिन मिनरल दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो हम कहेंगे अच्छा है, न्यूट्रिएंट डेंस है ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए न्यूट्रिएंट डेंस है, ये विटामिन मिनरल के लिए पालक न्यूट्रिएंट डेंस है। ऐसे अब पालक में क्या है कि 100 ग्राम पालक ली जिसमें करीब लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, लगभग आधा ग्राम फैट होता है, 0.64 होता है, लगभग आधा ग्राम फैट होता है। तो अब तुम मैं कहूँगा कि अब 2 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इतना है तो 24 कैलोरी बन जाएगी। 2 को 4 से गुणा करोगे फैट को 9 से गुणा करोगे जो ले देंगे 24 कैलोरी बन जाएगी। तो 24 कैलोरी बनी, 100 ग्राम पालक थी तो बाकी की चीज़ें कहाँ गई, पालक की 100 ग्राम पालक में से बाकी चीज़ें कहाँ गई है, तो 2, 4, 5 ग्राम हुआ लगभग बाकी चीज़ें। तो देखो बाकी चीज़ों में क्या है, फाइबर होता है पालक में, उसका भी भार होता है, बहुत ज़्यादा भार पानी का होता है, वो हमें दिखता नहीं हमें, पर उसमें नमी होती है उसका भार होता है। कुछ राख होती है, मतलब अगर आप उस पालक को जला दोगे तो राख बनेगी उस तरीके से समझ लो। तो कुछ ऐश का भी उसमें होता है अंश, राख का भी अंश हो जाता है, तो उसका भी भार होता है। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं 100 ग्राम चीज़ हो तो उसका 100 ग्राम कुछ ना कुछ प्रोटीन होगा, कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ ना कुछ फैट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 100 ग्राम पालक हमें इतने, इसमें कम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होंगे तभी तो कम कैलोरी होगी, ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होंगे तो ज़्यादा कैलोरी हो जाएगी। ये समझाने के लिए था कि कम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट रहता है तो कम कैलोरी होती है, तो उसमें अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमें, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वो चीज़ें न्यूट्रिएंट डेंस बनने लगती है।
इनके फायदे क्या हो सकते हैं न्यूट्रिएंट डेंस के? जब मान लो मेरे पास में कैलोरी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकता, मैं वजन कम कर रहा हूँ, या फिर मैं कम कैलोरी ही, मतलब मैं अपना वजन मेंटेन कर रहा हूँ और मेरे को कोई कारण से कम ही कैलोरी पे मेरा वजन मेंटेन हो रहा है मान लो, तो या वजन कम ही करना है मेरे को, चर्बी घटानी है, तो फिर उसमें कम कैलोरी खाते हैं तो हमें अपनी पूरी शरीर की जो विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है वो भी तो पूरी करनी है, तब ये इस तरीके के खाने की चीज़ें बहुत काम आ सकती है। कम कैलोरी में हमें ज़्यादा विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट देती है, तब ये चीज़ें काम आ सकती है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें बहुत काम किए हैं, तो हम दबा दबा के खाएंगे, हम पालक दबा दबा के खाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, अति हर चीज़ की खराब है, मैंने पहले भी कई बार कहा, आपको पता चल गया कि पालक में बहुत विटामिन मिनरल है तो हम बहुत पालक खा लेते हैं, नहीं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको साइंस के नज़रिए से तो आपको सही लगेगा कि अरे यार पालक में बहुत विटामिन मिनरल है तो खा लो, विज्ञान के नज़रिए से तो बढ़िया है, ज़्यादा पालक खा लोगे तो ज़्यादा विटामिन मिनरल मिल जाएंगे। हालांकि विज्ञान भी कहता है कि विटामिन मिनरल में काफ़ी चीज़ें होती है जिनकी भी रोज़ इतने से ज़्यादा मत खाओ वरना नुकसान कर जाएगा, विज्ञान भी ये कहता है इतने से ज़्यादा मत खाओ, पर मैं तुम्हें आयुर्वेद के नज़रिए समझा रहा हूँ कि तुम इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ की अति कैसे नुकसान कर सकती है। जैसे पालक है, बहुत विटामिन मिनरल है, सेहतमंद खाना माना जाता है, हरी पत्ती की सब्जियाँ अच्छी मानी जाती है, पर क्या हरी पत्ती की सब्जियाँ क्या है, इन ये शरीर में वायु बढ़ाती है। तो मैंने बताया था कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, वात जो दोष होता है इसमें वायु और आकाश, ये दो चीज़ें हमारे से मिलकर ही बनता है, तो वायु अगर आपके शरीर में बढ़ेगी तो वात दोष बढ़ेगा। तो क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पालक 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 खाया जा रहा हो तो आपके शरीर में वायु बढ़ेगी, वायु बढ़ेगी तो वायु से होने वाली जो बीमारियाँ वो बढ़ेगी, वात दोष से जो होने वाली बीमारियाँ बढ़ेगी, घुटनों में दर्द हो सकता है, कहीं और दर्द हो सकता है, शरीर में कई कई जगहों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए न्यूट्रिएंट डेंस है, बहुत कम कैलोरी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हमें, बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं उसे दवाई जाओ खाए जाओ, वो नुकसान भी कर सकता है। इसका मैंने एक उदाहरण यहाँ पे आपको दे दिया, मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लोगों की मदद कर सकता हो, तो आप उन लोगों के साथ में इसे बांट सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार।